नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल और इस समय की एक ब्रेकिंग न्यूज। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा राज्य में कांग्रेस पार्टी के विधायक दल का नेता नियुक्त कर दिया। पार्टी महासचिव और हरियाणा प्रभारी गुलाम नबी आजाद ने यहां संवाददाताओं को बताया कि शुक्रवार को विधायक दल की बैठक में नेता नियुक्त करने के से संबंधित निर्णय सोनिया गांधी पर छोड़ा गया था। पर्यवेक्षक मधुसूदन मिस्त्री ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट दी, जिसके बाद में उन्होंने हुड्डा को विधायक दल का नेता नियुक्त किया। इस तरह हुड्डा अब हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे और हरियाणा विधानसभा के लिए निर्वाचित कांग्रेस विधायकों की चंडीगढ़ में शुक्रवार को बैठक हुई थी। उसके बाद कांग्रेस विधायक दल CPL का नया नेता चुनने के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को अधिकृत किया गया। सूत्रों की अगर माने तो CPL की बैठक में विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा व पूर्व CPL नेता किरण चौधरी का नाम प्रस्तावित किया, जिसे लेकर के दोनों गुटों के बीच में खींचतान शुरू हो गई थी। पार्टी सूत्रों ने बताया कि 25 विधायकों ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन किया, तो जबकि 6 विधायक किरण को CPL का नेता बनाने के पक्ष में थे। 90 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के 31 विधायक चुने गए। सो बात की बात अगर करें तो अब कांग्रेस की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में होगी। हरियाणा में तो अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधानसभा में अलग से कार्यालय भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये पहली बार हुआ है जब हरियाणा विधानसभा में किसी नेता प्रतिपक्ष को विशेष तौर पर कार्यालय दिया जा रहा है। इसके साथ साथ सभी तरह की सुविधाएं भी उन्हें मुहैया करवाई जाएंगी। स्पेशल स्टाफ जो विधानसभा के लिए होता है वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगा। इससे पहले ये व्यवस्था हरियाणा में नहीं थी। आप देख रहे हैं पर्पल की एक खास रिपोर्ट।